हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप इस लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे, क्योंकि एक छात्र का केवल यही एक धर्म रह गया है कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखे। माई सेल्फ इज फारूकी सर एंड आई विल टीच यू केमिस्ट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कराऊंगा, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। अब बात यहां से स्टार्ट होती है कि सर, केमिस्ट्री की मोटे मोटे तौर पर 5 शाखाएं हैं बेटा, ब्रांचेज हैं, ओके? और 5 ब्रांचेज में एक होती है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ओके? दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके? थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ, चौथी अपन के हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड फिफ्थ में रिटर्न लिख सकते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री बेटा। ओके, फिर आगे और भी डिस्क्राइब किया जाता है और आगे क्लासिफिकेशन किया जाता है। भौतिक रसायन, अगर मैं ये कहूं कि आपके 12 क्लासेस के चैप्टर में, 12 क्लासेस में भौतिक रसायन के सर कौन कौन से चैप्टर हैं, आपकी किताब में इस तरह का वर्गीकरण 22 नहीं है, लेकिन आपको चूंकि आगे भी इस बात को याद रखना है, इसलिए आप इसे उसी तरह से समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? तो फिजिकल केमिस्ट्री समझ लीजिए जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन ज्यादा आता है, राइट? ऐसा समझ सकते हैं आप लोग, ठीक? आपका सॉलिड स्टेट बेटा इसमें आता है, यानी पहला चैप्टर जिसे आप ठोस अवस्था कहते हैं, विलयन इसमें आएगा बेटा, सॉल्यूशन जो दूसरा चैप्टर है आपका, तीसरा जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो भी इसी में आएगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अलावा चौथा जो चैप्टर आपकी बुक में केमिकल काइनेटिक्स, यानी ठोस अवस्था आ जाएगा बेटा, विलयन आएगा इसमें, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें आएगा बेटा, और केमिकल काइनेटिक्स जो आपकी बुक का चौथा चैप्टर है वो भी बेटा इसमें आएगा, ओके? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति कहते हैं जिसको हम लोग, ओके? काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। मैं आपको आपकी किताब में जो चैप्टर है उनको बेटा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं केमिस्ट्री के इन शाखाओं में उन चैप्टरों को रखूं तो वो कहां कहां स्टडी की जाएंगे, राइट? केमिकल काइनेटिक्स, तो ऑलमोस्ट बेटा ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहां तक प्रश्न है, अकार्बनिक रसायन का जहां तक प्रश्न है, तो इस चौथे चैप्टर के बाद जैसे ही पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री आता है, उसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपका जो फिफ्थ चैप्टर है ना बेटा पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री, इसे आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में स्टडी करेंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर है आप लोगों का, उसमें हम लोग मेटल एक्सट्रैक्शन बेटा, ठीक है ना, मतलब धातु निष्कर्षण वाला जो चैप्टर है आपका मेटल एक्सट्रैक्शन, धातु निष्कर्षण, ये चैप्टर भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा, ये भी इसी में आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट है आपका, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आपकी बुक का एक चैप्टर है, ठीक है, ये भी बेटा इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो 9th चैप्टर है, 4 यहां गए, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7, 8, 9 जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक, इसको भी बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही रखा गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके? तो हमने ये समझने की कोशिश की थी कि आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9वें चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आप लोगों के
फर्स्ट टू फोर्थ बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन में आएंगे, एंड 5 to 9 चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे बेटा, कार्बनिक रसायन में आएंगे, और इसके बाद स्टार्ट होती है कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका 10वां चैप्टर, आप जान रहे हैं कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट कराऊंगा, कार्बनिक रसायन से ही स्टार्ट कराऊंगा। मैंने आपके बुक के चैप्टर और उन चैप्टरों को रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाओं में गिना जा सकता है, गिना जाता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री यू तो कहा जा सकता है, तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर और आगे भी डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें एक बायोकेमिस्ट्री आती है, जिसमें हम लोग जैवअणु वाला चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्टडी करते हैं, ओके। तो बेटा इस तरह से आप लोगों के ये चैप्टर डिवाइड किया गया, इसका कोई चैप्टर आप लोगों के यहाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन में नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैटर कह सकते हैं अपन उनको कि यहाँ डाल दिया गया। जैसे मैं आपको समझाऊं, विलियन वाले चैप्टर में जो कंसंट्रेशन ऑफ, विलियन वाले चैप्टर में बेटा जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होती है ना, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन सांद्रता की विभिन्न इकाइयां, जिनमें आपकी मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, एक्चुअली ये टाइप की इकाइयां एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अभी आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी हॉबी इस बात की हो कि हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के इस शाखाओं में चैप्टरों का वो किस तरह से रख सकते हैं, तो ये बताने का मैंने प्रयास किया, ठीक है ना। तो बेटा ये तो मैं इरेज करता हूं, साफ करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोर्ड पर क्या लिख चुका था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा केमिस्ट्री का ये, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इसमें बेटा जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा, अब इसका बेस कहां है बेटा, तो बेस है इसका 11वीं क्लासेस में। आपकी 11वीं क्लासेस में दो चैप्टर, फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से पहले जो रखा गया है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो दो ऐसे चैप्टर बेटा जिन छात्रों के वो दो चैप्टर बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांगली उसके कंसेप्ट को समझा होगा जिन छात्रों ने, उनको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन जिन्होंने कम पढ़ा या नहीं पढ़ा तो बेटा थोड़ी परेशानी उसके लिए आएगी, पर नो टेंशन, बिकॉज मैं हूं ना केमिस्ट्री बोले तो फारूकी सर, यस माई सेल्फ इज फारूकी सर, और फारूकी सर का सेकंड नेम क्या बनाया बेटा, मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम केमिस्ट्री, फारूकी सर। देखो भैया अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इसलिए अपन अपने इज्जत के लिए अपने आगे नाम के आगे सर लगा देते हैं, ठीक है बेटा, ओके चलो मस्त रहिए। चलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, जैसा मैंने कहा था आपसे, आखिर कार्बनिक यौगिकों का रसायन, इनका बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का रसायन। अब रसायन कार्बनिक यौगिकों का मतलब, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत क्या होते हैं, ओके, कहां से उनको निकाला जाता है, उन्हें कैसे बनाया जा सकता है, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण, उनमें समावयवता, उनका नामकरण, नामकरण की विभिन्न पद्धतियां, उनके उपयोग, और एक कार्बनिक यौगिक को दूसरे कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट करना, ये सारी जानकारियां कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आती है, ठीक है। जिसे मैंने आपको सिंपल से बात में कहा था, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन मतलब रसायन, ओके। अब क्वेश्चन आपके लिए यहां से ये बन सकता है कि सर कार्बनिक यौगिक होते क्या है, तो पहली बात तो ये समझ लिया जाए कि कार्बनिक यौगिक बेटा विचार मेडअप कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक्स, एक्स का मतलब हो गया बेटा हेलोजन, ओके। हेलोजन में किस समूह में आते हैं बेटा, हेलोजन समूह 17 में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन भी आता है, लेकिन जनरली हम इन चारों को लेते हैं यहां पर हेलोजन जब कहते हैं, तो समूह 17 कहते हैं तो एस्टाटीन को लेंगे, और हेलोजन कहते हैं तो अपन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेंगे, ठीक है ना, हेलोजन समूह 17 की। तो इसके बजाय मैंने एक सिंपल से तरीके में लिख रखा है एक्स, ठीक है।
तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, अच्छा कुछ कार्बनिक यौगिकों में बेटा फास्फोरस और कुछ में सल्फर भी मिलता है, ठीक है, थोड़े स्ट्रेसेस अमाउंट में फास्फोरस के साथ साथ सल्फर भी बनता है। दूसरी बात, कार्बनिक यौगिकों में ये जो तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनमें सहसंयोजी बंध लगा होता है। कौन सा बंध बेटा? सहसंयोजी यौगिक। तो बेटा एक बात क्या बनी यहां पर हमारे लिए समझने लायक, क्या बात बन गई बेटा? और वो समझने लायक बात बन गई कि ये कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं बेटा? सहसंयोजी होते हैं, सहसंयोजी बंध लगा होता है, सहसंयोजी होते हैं। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या हो गया बेटा? इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास 11वीं क्लासेस में। तो सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड लगे होते हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन, इनमें बेटा ठीक सहसंयोजी बंध लगे होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक, सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ओके, अब आती है बात, अब आप ये समझिए कि कार्बनिक यौगिकों के बारे में पूर्व में एक अवधारणा चली थी जो बर्जीलियस ने दी थी, जिसको कहते थे बेटा जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल थ्योरी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये थ्योरी क्या कहती थी बेटा? ये बर्जीलियस ने दी थी बेटा, ये थ्योरी ये कहती है कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवित पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से ही प्राप्त कर सकते हैं, नॉन लिविंग से नहीं, राइट। नॉन लिविंग से का मतलब हो गया कि जिनमें जीवन नहीं है उनसे जीव उनसे अपन कार्बनिक यौगिक प्राप्त नहीं कर सकते। इसे ये भी कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों से ही कार्बनिक यौगिकों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा कहना किसका था बेटा? वर्जीलियस का कहना था। उसने जो थ्योरी दी, जो सिद्धांत दिया, वो था वाइटल थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। ओके, लेकिन काफी समय बाद, काफी समय तक ये बात बनी रही। बाद में क्या हुआ बेटा? एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था वोलर। आखिर ये वोलर ने क्या किया? इस वोलर वैज्ञानिक ने क्या किया बेटा? इस थ्योरी को अपने तरीके से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, या ये कहें अपन कि अब ये थ्योरी एक शुरुआती अध्ययन के लिए बस केवल कही जाती है, बाकी इसका जो मेन अवधारणा थी वो आज की बात से बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करती, बिल्कुल भी माने नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? ये थ्योरी क्या कह रही है बेटा? जीवित पदार्थों से ही कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वोलर क्या कह रहे हैं अपन, इनकी सुने। वोलर ने क्या किया? एक अकार्बनिक यौगिक था, वेरी इंटरेस्टिंग, अमोनियम साइनेट। क्या है बेटा ये? अमोनियम साइनेट, जो अकार्बनिक यौगिक है, ये अमोनियम साइनेट अकार्बनिक यौगिक बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। अब इससे क्या किया इन्होंने? ये थ्योरी कहती कार्बनिक यौगिक से ही कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं, राइट। वोलर ने अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तो उन्हें यूरिया मिल गया बेटा, NH2CONH2। ये किसका सूत्र बेटा? यूरिया का। और यूरिया कैसा होता है बेटा? कार्बनिक यौगिक होता है। ये बेटा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि किसी की बहुत सालों से चली आ रही थ्योरी को ध्वस्त हो गई, उस थ्योरी को तार तार कर दिया गया। स्वाभाविक बात है, कितना झटका बर्जीलियस को लगा होगा कि मेरा माइंड इस तरह से क्यों नहीं क्रिएट हुआ जो वोलर ने। होता क्या है कि कोई वैज्ञानिक कोई थ्योरी देता है तो कुछ वैज्ञानिक वाकई पीछे लग जाते हैं और उसकी थ्योरी में कोई ना कोई कमी करने का प्रयास करते हैं, और यही कमी ढूंढते ढूंढते हम नए इनोवेट कर चुके होते हैं, नया रिसर्च कर चुके होते हैं, नई चीज खोज कर चुके होते हैं, ठीक है। तो अमोनियम साइनेट विच इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑन हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट, ठीक है, क्या मिला बेटा? यूरिया मिला, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, राइट। तो आप समझ रहे होंगे कार्बनिक यौगिक किससे बना लिया गया? आकार, वो भी कहां पर? प्रयोगशाला में ही बना लिया गया, प्रयोगशाला में ही बना लिया, लेबोरेटरी में ही बना लिया गया। बर्जीलियस ने ये बोला था कि ये जीवित से ही प्राप्त किए जा सकते हैं कार्बनिक यौगिक, लेकिन अब क्या हो गया? अजीवित से भी प्रयोगशाला के अंदर हम बना सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पॉइंट मोमेंट आपको मैंने बताया था। चलिए अब मैं आपको दोबारा उसी मेन बात पर आपको लिए चलता हूं। तो हमने ये पढ़ा है कि सी और एच से जो यौगिक बनते हैं उनको नाम देते हैं बेटा क्या, हाइड्रोकार्बन। याद आ रहा है आपको, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन भी कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जो केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। याद आ रहा है, हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर ही था हमारी प्रीवियस क्लासेस में, 11th क्लासेस में। अब हाइड्रोकार्बन में बेटा हम लोगों को याद होना चाहिए, हमने पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बेटा यू तो हमें चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है बेटा, और चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है हेलोविपन। क्या है बेटा? हेलोविपन, हेलो डेरिवेटिव्स। लेकिन बेटा इस चैप्टर को, जैसे मैंने कहा जो कि कार्बनिक रसायन का एक चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छी तरह से तभी समझ सकते हैं जब आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक तरीके से समझने की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी मतलब हो गया सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, कुछ तरीका, आधार जिसे अपन कह सकते हैं। जब आपका सही तैयार होगा, सही मजबूत होगा, तो आप उस पर दीवार और अपनी बिल्डिंग को खड़ी कर सकते हैं। ओके, अमूमन छात्रों से 11वीं क्लासेस के वो दोनों चैप्टर छूट जाते हैं, या उनकी स्टडी कमजोर हो जाती है, या सर का ये चेहरा देखते देखते परेशान हो जाते हैं और वो सर के उस चेहरे को देखना नहीं चाहते, तो बेटा वो उन दोनों पहुंचते पहुंचते उनका ध्यान थोड़ा भटक जाता है, और परिणाम ये आंखें तब खुलती हैं जब वो 12th क्लासेस में आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे से ज्यादा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इंटरेस्टिंग भी है, और थोड़ा सा कीप योर माइंड ऑलवेज, ठीक है ना, दिमाग बनाए रखें अपना यहां पर। खैर, पर फिर भी कोशिश नहीं है, मैं आपको उसी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे प्रयास के साथ साथ आपको करना क्या होगा, अपनी 11वीं क्लासेस में जो नोट्स आपके पास थे ना बेटा उन दो चैप्टरों के, उनको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, उनको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तो ट्राई कर ही रहा हूं आपको समझाने की, और समझ में आएगा भी। तो हाइड्रोकार्बनों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त का मतलब क्या जानते हैं बेटा? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध लगा होता है। तो आपने ऐसे ऐसे हाइड्रोकार्बनों को आपने एक श्रेणी देखी होगी जिसका नाम क्या था बेटा? एल्केन। आ रहा है आपको याद? एल्केन कैसी श्रेणी है बेटा? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध लगे होते हैं, ठीक है ना। जानते थे ना अपन, एक सुपरफिशियल तरीके से मैं आपको वो बात बता वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से बेटा आप लोगों के वर्गीकरण में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं बेटा जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड लगे होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं। अगर डबल बॉन्ड लगेंगे तो बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी होती है जिसका नाम आप जानते हैं, एल्कीन कहते हैं बेटा, ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के ठीक दुगनी होती है। एल्कीन में क्या होता था? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगनी से दो ज्यादा होती थी, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड है अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो एल्कीन हो जाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा एल्काइन हो जाते हैं जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से दो कम होती है, राइट। तो इस तरह से ये तीन सीरीज हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में, ठीक है ना, विवृत हाइड्रोकार्बन में ये स्टडी किया था। जहां तक चक्रीय हाइड्रोकार्बन होता है तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन की वलय बनती है, और उस वलय में डबल बॉन्ड की सिचुएशन के आधार पर हम उसे आगे जाकर वर्गीकरण करते हैं कि वो चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या एरोमेटिक है या नहीं है। ये बात हम लोगों ने हकल नियम पढ़ा था। अब देखिए आपको पढ़ने के लिए क्या मिला बेटा, कि अगर आपसे ये हकल का नियम छूट गया है तो आप अपने नोट्स में, 11वीं क्लासेस के नोट्स में उसे पढ़ने का प्रयास करें। किस नियम को बेटा? हकल नियम को, ठीक है ना। ओके, तो अब यहां से एक क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि सर कार्बनिक यौगिक का अध्ययन अलग करने के लिए ब्रांच क्यों बनाई गई।
तो बेटा कार्बन जैसे इसमें दिख रहा है, कार्बन का कुछ यूनिक व्यवहार होता है, कार्बन का कुछ इस तरह का व्यवहार होता है, और वो व्यवहार कार्बन के अरबों खरबों की संख्या में यौगिक बनाने के प्रति जिम्मेदार है। और वो कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कार्बन के उन यौगिकों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ा। ठीक है बेटा, तो वो कौन कौन से पॉइंट है ये हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में स्टडीड किया। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा सुपरफिशियली समझाने का प्रयास करता हूं। एक तो कार्बन की बेटा चतुसह संयोजकता का होना, क्या होना बेटा, टेट्रावेलेंसी का होना, चतुसह संयोजकता का होना, ये भी कार्बन को यूनिक बनाता है मिलियन बिलियन कार्बनिक यौगिकों के बनाने के लिए। ओके, चतुसह संयोजकता में जैसा कि हमें मालूम है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक बेटा 6 होता है, और 6 इलेक्ट्रॉनों को अगर अपन बांटें तो पहली कोश में 2 और दूसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी कोश से इस जगह मतलब है ये बाह्यतम कोश है, और बाहर वाली कोश को हम ज्यादातर संयोजी कोश कहते हैं, और संयोजी कोश के उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन संयोजन में भाग लेते हैं। संयोजन का मतलब टू फॉर्मिंग बॉन्ड, ओके, बंध निर्माण में भाग लेते हैं। ओके बेटा, इन 4 इलेक्ट्रॉनों को जैसा आप देख पा रहे हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉनों को बेटा जो दूसरे नंबर की कोश में है, इनको कक्षक की दृष्टि से बांटू तो होंगे बेटा 2s2 2p2, होगा कि नहीं। दूसरे नंबर की कोष में 2 उपकोष होते थे कि नहीं बेटा, s और p, तीसरे नंबर की कोष में 3 होंगे, s p d या 2 होंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि s उपकोष में एक ही कक्षक होता है, जिसको अगर मैं बॉक्स के तरीके से बनाऊं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 2 आएंगे कि नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। और p में ऐसे ऐसे बॉक्स बनते हैं 3, और जैसा कि आप जानते हैं पी के 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षक मतलब 3 बॉक्स, और एक साथ बनाने के पीछे क्या होता है मतलब उसका कि उसकी एनर्जी कैसी होती है, तीनों कक्षकों की बेटा समान होती है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2। तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपन इस तरह से एक एक करके रखेंगे, हुंड का नियम हमें याद है। ओके ठीक, अब इस स्थिति में तो बेटा 2 ही अयुग्मित कक्षक दिख रहे हैं हमें, जबकि कार्बन के यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4। अब इस तरह से कैसे पॉसिबल है, तो हमें दिख रहा है कि ये एक ऐसा कक्षक है जो युग्मित है, और ये एक ऐसा कक्षक है जो रिक्त है बेटा। ओके, तो क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर। अब कितने अयुग्मित कक्षक तैयार हो गए बेटा, 4 हो गए, जिसके वजह से ये अपनी टेट्रावेलेंसी को शो कर सकता है, चतुसह संयोजकता अपनी बना सकता है। ठीक है, अब आती है बात कार्बन अपनी 4 संयोजकता को कैसे कैसे करता है, तो देखिएगा कार्बन अपनी 4 संयोजकता को बेटा 4 एकल बंध बनाकर कंप्लीट कर सकता है। ओके, कार्बन अपनी 4 संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए 2 एकल बंध और 1 डबल बॉन्ड बनाकर भी कंप्लीट कर सकता है बेटा। कार्बन अपनी 4 संयोजकता को शो करने के लिए 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है बेटा। कार्बन अपनी 4 संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 1 एकल बंध और 1 त्रिबंध बनाकर भी संतुष्ट कर सकता है। और ये बात कार्बन में ये बात कार्बन को किस बात के लिए प्रेरित करती है, वो ये कहती है कि आ जाओ तुम मेरे साथ संयोग करने के लिए, तुम्हारी संयोजकता कुछ भी हो। मतलब हाइड्रोजन कहता है देखो मैं तो 1 संयोजकता वाला हूं, तो कार्बन कहता आ जाओ, हम ऐसी स्थिति भी कंडक्ट कर रहे थे जिसमें सब एकल संयोजकता कंप्लीट हो सकती है, राइट। तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, इस जगह नहीं जुड़ेगा, यहां नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का मतलब हो गया वही जुड़ेगा जिसकी संयोजकता 2 हो, राइट, 1। तो यहां पर हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, यहां 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 और यहां भी जुड़ जाएगा। अगर मान के चलो ऑक्सीजन को जुड़ना है, तो ऑक्सीजन बेटा इस जगह नहीं जुड़ेगा, ओके, ऑक्सीजन जुड़ेगा यहां एक साथ डबल बॉन्ड बनाकर, हां एकल बंध बने और फिर कोई जुड़े तो जुड़ जाएगा, ठीक है, यहां जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन बेटा एकल बंध भी बनाता है, संयोजकता सामान्य 3 होती है, 4 भी बढ़ा लेता है कुछ केसेस में, अपन पढ़ेंगे जिसे अपन परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। तो नाइट्रोजन अगर यहां जुड़ रहा है, जुड़ जाएगा, तो बेटा अगले के साथ बेटा वो डबल बॉन्ड बनाएगा या 2 अलग और एकल बंध बनाएगा, यहां जुड़ सकता है, अगर यहां जुड़ गया यानी
डबल बॉन्ड से जुड़ गया तो एकल बंध फिर और किसी और के साथ बनाएगा, या फिर एक साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो ये तो रही चतुसंयोजकता की बात। दूसरी बात बेटा, अगर मैं किसी कार्बनिक यौगिक में इस तरह की कार्बन की स्थितियां हो जिसमें वो संयोजकता चार को इस तरह से कंप्लीट कर रहा हो तो क्या होगा बेटा? जैसे अगर तो मैं बताने जा रहा हूं कि उन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संकरित अवस्था क्या होगी, यानी संकरण कौन कौन सा होगा, तो बेटा आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, समझना चाहिए, समझ चुके होंगे ग्यारहवीं क्लासेस में भी आप लोगों को, कि कार्बन ने जब चार एकल बंध बनाए हैं तो कार्बन के पास, यानी चार संयोजकता जब कर लेता अपने चार इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके, तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं होता। क्या बता रहा हूं मैं आपको? कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं होता। अब लोन पेयर मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेटा। क्या? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब आपके दिमाग में बात आ रही है सर इसका संकरण से क्या संबंध है, ये इसकी हेल्प से हम संकरण निकालते हैं बेटा। तो जिस परमाणु में हमें संकरण निकालना होता है ना, उसने सिग्मा बंध कितने बनाए हैं और उस परमाणु पर बंध बनाने के बाद ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन युग्म जिन्होंने बंध नहीं बनाया शेष रह गए, उनको अपन लोन पेयर कहते हैं। इन्हीं दो चीजों से, किन किन चीजों से बेटा? संकरण को निकालने के लिए किसी परमाणु में, किसी अणु के परमाणु में संकरण को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है बेटा? तो संकरण निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंध की संख्या, ठीक है, ओके, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। इस तरह से आप, और भी शॉर्ट तरीके हैं, मैं आपको केवल इसी से अभी समझाऊंगा, फिर कभी किसी दिन डायरेक्ट बता देंगे आपको, और भी डायरेक्ट बता देंगे। इसका मतलब अगर आपके पास किसी अणु की संरचना पूरी दी गई है और उसमें किसी परमाणु में संकरण निकालना है तो उसमें सिग्मा बंध कितने बनाए हैं और उस पर लोन पेयर। अच्छा, ये लोन पेयर पता करने के लिए आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? आपको ये मालूम होना चाहिए उसकी वायतम को उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं बेटा, एक सिंपल सा अलग एग्जाम्पल दूं, अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने लिखा जिनॉन डाइफ्लोराइड XCF और हम चाहते हैं कि इसमें संकरण बताया जाए। देखिए बेटा, कहते तो अपन है कि इसमें संकरण बताइए, XCF2 में संकरण बताइए, वास्तविकता ये होती है कि उस अणु के केंद्रीय परमाणु की बात होती है संकरण, लेकिन जनरल वे में अपन ऐसा कह देते हैं बेटा, ठीक है ना। यानी केंद्रीय परमाणु कौन है? जिनॉन। अगर मैं आपसे ये पूछूं जिनॉन की वायतम को उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बताइए। गलत बात है ये तो बेटा। अब मैं आपको उसकी ट्रिक्स बताता हूं। ट्रिक्स क्या है कि जिनॉन किस समूह में आ रहा है बेटा, इतना तो याद है? यस, 18वें समूह में आ रहा है। समूह 18 का अगर कोई तत्व है तो उसकी वायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बड़ी आसानी बात। 17 का कोई तत्व है तो वायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। समूह 16 का तत्व है तो 7 होंगे, मतलब 16 का है तो 6 होंगे, 15 का है तो 5 होंगे, 14 का है तो 4 होंगे, 13 आएगा 3 होंगे, 1 का है तो 1 होगा, 2 का है तो 2 होगा। कितनी आसान हो गई। अब बेटा ये तो याद करना पड़ेगा कि कौन सा तत्व किस समूह में आता है, चाहे आप अपने गाने बनाकर याद करो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे कहो, बाल गंगाधर इन तिलक कहो, फेंक लो बुराई आंटी, ये तरीका है अपना, ये एक अलग बात है, मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा, ठीक है ना, टाइम का अभाव है क्योंकि हम 12th क्लास को स्टडी कर रहे हैं, 11th होती तो मैं आपको वो निश्चित तौर पर बताता। चलिए, वो आपको याद करना है बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, जिनॉन में हम संकरण पता करना चाहते हैं तो जिनॉन 18 समूह का हो गया तो वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 8, राइट, और 2 जुड़े हैं इसके साथ फ्लोरीन जो एकल बंध बनाएंगे, तो ये 2 अलग अलग एकल बंध है, अलग अलग बना रहे एकल बंध है, तो ये दोनों बंध कौन से होंगे, सिग्मा बंध। ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा, जो बचे ये कहलाएंगे लोन पेयर, ओके। तो संकरण कौन सा बना बेटा, 2 तो हो गए सिग्मा बंध और 3 हो गए लोन पेयर। कितने लोन पेयर कितने बेटा, 3, 2 और 3 5, तो संकरण कौन सा होगा इसमें, 5, यानी XCF2 के जिनॉन में संकरण करने के लिए जिनॉन के 5 कक्षक भाग लेंगे बेटा, और वो 5 कक्षक कौन कौन से होंगे, sp3d, कौन से होंगे बेटा, sp3d। तो इस तरह से हम लोग XCF2 में संकरण देख सकते हैं। और देखिए, अगर मैं CO2 में कार्बन के संकरण की बात करता हूं तो संकरण कौन सा होगा, देखिए, तो CO2 की संरचना जो अगर आप जानते हो तो इस तरह से अगर आपने ओपन करी, मान के चलिए, ठीक है ना, वैसे भी आप जानते हैं कि कार्बन की वायतम को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चूंकि 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन द्विसंयोजी की होता है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, इस तरह से 2
डबल बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए कार्बन की वाइटम को उसमें चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों ही चार बंधन बनाने में यूज हो गए बेटा, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। ये एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, हमको पाई से कोई लेना देना नहीं होता, सिग्मा बंद और लोन पेयर के आधार पर। तो सिग्मा एक सिग्मा दो, कितने सिग्मा हो गए, दो, दो सिग्मा बंद हो गए, कोई भी लोन पेयर नहीं है। संख्या दो निकलने से ये एहसास हुआ, ये पता चला कि कार्बन का जब संकरण होगा CO2 के बनने में, कार्बन में जब संकरण होगा तो कार्बन के केवल दो कक्षक भाग लेंगे, और वो कौन होंगे बेटा, sp होगा, एक s भाग लेगा और एक p भाग लेगा। ठीक है बेटा, तो ये तो रही बेटा संकरण से संबंधित जानकारी कि किस तरह से संकरण निकाला जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा कार्बनिक यौगिकों के कुछ अड़ुओं में आपको संकरण से और परिचित कराऊं बेटा। ऐसा समझ सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा बोर्ड पर आपके बेटा, ये लिखा CH3 का होल ट्वाइस CH CH CH2 CH3, ये एक एग्जांपल लिखा बेटा, ध्यान से देखिएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस लिखे गए कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक कार्बन की संकृत अवस्था को बताइए। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक कार्बन की संकृत अवस्था बतानी। अब आप देखिए जब ये CH3 लिखा गया है तो निश्चित तौर पर ये सिरे पर ही होगा, क्योंकि चार संयोजक सॉरी तीन तो हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, बीच में तो होगा नहीं। तो बेटा मैंने क्या किया, CH3 को लिखा, ये दो CH3 है, दूसरा CH3 लिखा बेटा मैंने ये। अब ये दोनों CH3 बेटा किसके साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, यहां गए हम लोग। इसका मतलब इस कार्बन से दो CH3 जुड़े, ये दे दिए बना दिए, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा ये बना दिया गया। अब आप देखेंगे गौर से इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है, एक दो और एक हाइड्रोजन के द्वारा तीन। इसका मतलब ये वाला कार्बन अब केवल क्या बनाएगा बेटा, एकल बंध बनाएगा। अब आ जाते हैं यहां CH। अब जब CH लिखा गया तो बताइए ये सही होगा क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बेटा, इस जगह क्योंकि इस कार्बन ने सिर्फ दो बंध बनाए, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, और एक बंध ये इस CH2 के साथ बनाएगा, और ये CH2 बेटा इस CH3 के साथ जुड़ा है। तो इसका मतलब यहां तो गड़बड़ हो गई, मतलब इसमें ये कमी आ गई। तो मैंने क्या कर दिया, CH2 कर दिया। ओके, अब सही है, चारों संयोजकताएं हो गए। मैंने आपसे ये पूछा था कि इसमें प्रत्येक कार्बन की संयोजकता बताइए। अब देखिए इस कार्बन ने टोटल कितने बंध बनाए हैं, तो आपको भी चार, तीन हाइड्रोजन ओपन करेंगे तो तीन और एक चार, चारों एकल बंध होंगे, तो इसमें भी संकरण कौन सा होगा बेटा, sp3। इसके चार सिग्मा बंध बनाइए, दो तो ये दिख रहे हैं हमें और दो हाइड्रोजन जुड़े, एक ऊपर और एक नीचे जोड़ दिया, तो चार सिग्मा बंध हो गए। इसमें भी sp3 होगा, ये भी वैसे ही है, इसमें भी sp3 होगा, इसके सिग्मा बंध कितने होंगे, तो ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा। तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि इस कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। ओके, चलिए अब मैं अगर एक और एग्जांपल आपको बताऊं, मैंने पूछा, मैंने लिखा बेटा CH3 COCH3, और ये पूछा गया इसमें इस कार्बन का संकरण बताइए जिस पर मैंने स्टार लगा दिया। इज दैट क्लियर, ओके। नाउ सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि भाई सर आपने जो कार्बन, ये हमें यौगिक दिया गया जो कि कार्बनिक यौगिक, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है क्या नहीं बेटा इसमें, तो आप देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये CH3 हो गया बेटा। अब आपके माइंड में ये बात आती है कि तीन तो हाइड्रोजन ये जुड़े हैं, तो संयोजकता तीन तो यहां होगी, तो एक ही तो बनेगी बेटा, बची है। अब इस कार्बन को ले लो, अब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और CH3 जुड़ा है, इसका मतलब अगर मैं CH3 की बात कर रहा हूं तो ये सिरे पर ही जुड़ेगा, ये स्थिति आ गई और एकल बंध के द्वारा यहां जुड़ेगा। अब कार्बन की चार संयोजकता तो नहीं रही, दो ही है ना इस बीच वाले कार्बन की जिसका मैं संकरण निकालना है, इसके दो बंध ही तो बनाए पर एक ऑक्सीजन भी जुड़ा है। ऑक्सीजन के बारे में आपको क्या जानकारी है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन भी तो डबल बॉन्ड बना लेता है, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहां डबल बॉन्ड बनाएगा। अब बताइए इस कार्बन की संकरित अवस्था अपन को बतानी थी, तो सिग्मा बंध गिनो, एक दो और एक तीन, कितने सिग्मा बंध हो गए, तीन। तो इस कार्बन में संकरण होगा बेटा sp2। देखिए बंध तो चार बनाए हैं, तो कार्बन की वाहकता को उसके चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल में आ गए, लेकिन उन चारों में कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, चारों बंध में बनाने में यूज आ गए, लेकिन चारों में से सिग्मा बंध सिर्फ कितने बने हैं, तीन, एक दो और एक तीन, एक कौन सा बॉन्ड है, पाई बंध है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसकी बात कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको यही जोड़ दूं, अगर मैं ये पूछूं इस यौगिक में कुल सिग्मा बंधों की संख्या बताइए, अब आप आंख खोलकर बैठे और फिर भी नहीं दिख रहा हो तो बड़ी अजीब बात है। आप कहोगे सर एक दो तीन, नहीं बेटा मैंने कहा कुल सिग्मा बंध बताइए पूरे अणु में,
तो आपको यह मालूम है कि हाइड्रोजन भी तो कार्बन के साथ किसी बंध से जुड़े हैं। तो बेटा तीन हाइड्रोजन तीन एकल बंध तो ये हो जाएंगे, तीन सिग्मा बंध, एक ही हो गया चार, एक ही हो गया पांच, ये हो गया छह, छह और तीन नौ, तो इसमें कितने सिग्मा बंध है बेटा नौ, और पाई बंध कितना है एक, वेरी गुड। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बंधों की बात करें तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन में संकरण या तो होगा बेटा sp3, तीन तरीके का संकरण मिल सकता है, sp3 हो सकता है कार्बन में संकरण, या sp2 होगा या sp होगा। बात समझ में आई? और चलते हैं अपन कुछ और यूनिक प्रॉपर्टी की तरफ कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो तीसरा पॉइंट बना बेटा हमारा श्रृंखलन गुण। एक विशेष गुण होता है बेटा कार्बन के अंदर, श्रृंखलन गुण का मतलब हो गया किसी तत्व का वह गुण जिसमें उस तत्व के परमाणु लगातार जुड़ते हुए सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला या चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करता हो, चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करता हो तो इसको कहेंगे सीधी श्रृंखला वाला। इसमें बेटा देखो श्रृंखला के साथ ये शाखाएं जुड़ गई, ठीक है, तो ये कहलाएंगे साकेत, और ये क्या बन गई, एक वलय बन गई, ओके वलय, राइट। तो ये विशेष गुण कार्बन के अंदर होता है। अब आप सोचिए कार्बन चार संयोजकता की वजह से कार्बन अधिकांश तत्वों के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध बनाकर। कार्बन में तीनों प्रकार के संकरण की संभावना होती है। इसके अलावा कार्बन में श्रृंखलन गुण होता है जिसके कारण कार्बन 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 जुड़ते हुए सीधी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला या वलय युक्त यौगिक बना सकता है, ओके। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं वो पॉइंट है कार्बन जो कार्बन बंध बन जाता है ना बेटा, ठीक है, कार्बन कार्बन जो बंध बन जाता है उस बंध को तोड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। इसका मतलब क्या निकला, सीडेसी बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। बंध वियोजन एंथैल्पी कह दें आप, बंध वियोजन ऊर्जा कह दें, अधिक होती है। अब देखिए कोई कार्बन अगर किसी कार्बन के साथ जुड़ गया और वो जुड़ते ही कोई चीज टूट रही है तो क्या व्यवहार में वो हमें स्थायी रूप से मिल सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि बंध बनाते ही अगर बंध टूट जाए तो इसका मतलब उसकी नेचर में मिलने की संभावना बहुत कम हो गई, उसी वक्त वो उसका अस्तित्व हो सकता है, एग्जिस्टेंस, लेकिन स्टेबल नहीं हो सकता। कार्बन के अंदर विशेष गुण क्या है, कार्बन जब कार्बन के साथ जुड़ गया तो उसने क्या किया बेटा, उसने ये किया कि वो क्या कर रहा है, कार्बन जो है अन्य के साथ जुड़कर मजबूती के साथ जुड़ा रहेगा, जिसके कारण उसके यौगिक कंटिन्यू बनते रहेंगे और वो नेचर में स्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। तो हमने ये कार्बन के कुछ यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को डिस्कशन कराया था, ओके। तो आगे की कहानी में मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ये सारी बातें मुझे बतानी बहुत जरूरी है और आपको पढ़ना जरूरी है बेटा, ठीक है। और क्या क्या बात बता रहा हूं मैं आपको इसके अंतर्गत, और बताऊंगा मैं आपको इसमें कि जो कार्बनिक यौगिकों का जो बंध विखंडन होगा, बंध का टूटना, क्या बेटा, बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन, जब रासायनिक क्रिया होती है कि नहीं, तो कार्बन कार्बन के बीच कार्बन हाइड्रोजन के इनके जो बंध है वो टूटते हैं, बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो ये बंध विखंडन बेटा दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं हम लोग क्या, समांस विखंडन, ओके। क्योंकि मैं बता चुका था कि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होते हैं, मतलब उनमें सहसंयोजी बंध लगा होता है, तो बंध का जो विखंडन इस तरह से हो जाए, मान के चलो एक स्पीसीज है, जैसे मैंने लिखा बेटा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड एच, ऐसे लिख दिया, या मैंने लिखा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ओके। अब अगर इस प्रकार के बंध विखंडन के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, समांस विखंडन के लिए आवश्यक परिस्थितियां होती हैं बेटा, या तो बेटा उसे उच्च ताप पर गर्म किया जाए, ठीक है, या फिर उसे सनलाइट अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश की उपस्थिति में अध्रुवी माध्यम हो, ये क्या है, समांस विखंडन की परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी बेटा, प्रकाश की उपस्थिति, पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश, आप केवल प्रकाश कह सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये कंडीशन समांस विखंडन को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। दूसरा क्या बेटा, उच्च ताप पर हो क्रिया, ठीक है ना, बहुत अधिक टेम्परेचर पर होगी तब भी बंध विखंडन होने की, समांस बंध विखंडन होने की संभावना होगी। तीसरा है अध्रुवी माध्यम होना चाहिए, अध्रुवी माध्यम का मतलब हो गया वो स्वयं अणु या उसके साथ जिसकी क्रिया कराई जा रही है वो कैसा होना चाहिए, अध्रुवी होना चाहिए। ये परिस्थितियां बेटा किसी सहसंयोजी बंध के समांस विखंडन को परिणाम देती है, और समांस विखंडन का मतलब हो गया इस तरह से बंध का विखंडन हो कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा एक एक दोनों ही जुड़े हुए लेकर चले जाएं, तो
तो अगर इस बंध में इस तरह से बंध विखंडन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा बेटा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। इसको अपन युग्मित इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। पढ़ाए आप लोगों ने, इसलिए आप लोग उन्हें नोट्स को उठाते जाइए, ठीक है ना। दो तीन दिन तक क्लासेज मेरी आपकी इसी पर क्लोज होगी, तब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम हेलो व्युत्पन्न है, 10वां चैप्टर आपकी किताब का, उससे परिचित कराऊंगा। अदरवाइज बेटा दिक्कतें आएंगी। ओके, वैसे तो इसको पूरा पढ़ने में करीब करीब एक सवा महीना लगता है, लेकिन मैं आपको दो तीन दिन में थोड़ी भूमिका बना देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसे किसी चीज को सुनने के लिए भूमिका बनाई जाती है कि नहीं, वो भूमिका बनाना, वो बेस बनाना जरूरी है। इसी तरह से इसका बंध विखंडन हो जाए बेटा इन परिस्थितियों में से, परिस्थितियां कोई भी हो, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, इस एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो ये वाला समांस विखंडन कहलाएगा बेटा, होमोलिटिक फिजन होगा। और ये जो बनी हुई नई स्पीसीज है, एक्चुअल में मैं परमाणु अणु आयन को स्पीसीज कह सकता हूं, ये जो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त ये स्पीसीज है, इनको अपन नाम देंगे क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन बेटा। क्या कहेंगे अपन, फ्री रेडिकल कहेंगे। तो फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं, समांस विखंडन होने पर। कार्बन युक्त फ्री रेडिकल तीन प्रकार के होते हैं, वन डिग्री मुक्त मूलक, ये डिग्री वन डिग्री कह दो, यानी प्राथमिक मुक्त मूलक कह दो, टू डिग्री मुक्त मूलक और थ्री डिग्री मुक्त मूलक, ठीक है ना। इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा स्टडी करिएगा। तो ये मैंने आपको समांस विखंडन की बात बताई। दूसरा होता है बेटा विषमांस विखंडन। विषमांस विखंडन जैसा कि आप इसके नाम से प्रश्न, अब पहली बात तो ये कब होगा कि प्रकाश की उपस्थिति ना हो, बहुत ज्यादा तापक्रम ना हो, माध्यम अध्रुवी ना हो, बल्कि कैसा हो, ध्रुवी माध्यम हो। वो जिसकी क्रिया हो रही है वो स्वयं भी मतलब आपका ध्रुवी हो, और दूसरा जिसके उपस्थिति में क्रिया हो रही है, जिस माध्यम में उसे डाला है, वो भी कैसा हो बेटा, ध्रुवी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा CH3Cl लिखा बेटा, ओके। तो आप जानते हो कि ये ध्रुवी क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युतनात्मकता कार्बन से ज्यादा है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे कि नहीं, तो इस पर आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर ऋणावेश आ गया। आंशिक क्यों कहते हैं, कुछ अंश आ गया, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं गए बंद के पूरे, बट कुछ हद तक चले गए, राइट। तो आंशिक आवेश जनरेट हो गए इनके ऊपर, इस पर आंशिक धनावेश, इस कार्बन पर कमी आ जाएगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन भी कार्बन ने खींच रखे हैं। तो इनकी अगर इस तरह की कोई परिस्थितियां मिल जाए तो संभावना यह बनेगी बेटा कि इस प्रकार का बंध विखंडन होगा। बंध के इलेक्ट्रॉन कौन लेकर हटेगा, क्लोरीन। तो ये इस तरह से ये नई स्पीसीज जनरेट हो जाएंगी, जिनका अस्तित्व बहुत कम होता है, बहुत नैनो सेकेंड पिको सेकेंडों में होता है, तुरंत ये स्थायित्व को प्राप्त करती है अगली स्थिति में जुड़कर, ओके, जिन पर आपने पढ़ा होगा और अपन पढ़ेंगे। तो इनसे जो बनेंगी ये बनती है बेटा कौन, कार्बोधनायन। कार्बन के ऊपर धनावेश तो बोलते हैं अपन कार्बोकैटायन, यानी कार्बोधनायन या कार्बोनियम या कार्बोकैटायन के नाम से जानते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री। तो आज मैंने आपको शुरुआत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कराई है। उम्मीद है कि अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी 11वीं क्लासेस के उन दो चैप्टरों को रोजाना पढ़ेंगे। आप रोजाना पढ़ना, मैं एक दिन की नहीं कह रहा कि एक दिन पढ़ लो, उसको सिस्टमेटिकली तरीके से लिखे गए नोट्स को रोजाना पढ़िएगा, ठीक है ना। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम, नहीं आने दूंगा, ओके बेटा। तो कल मिलते हैं अपन कल की नई वीडियो के साथ। मस्त रहिए, घर पे रहिए और स्टडी करते रहिए, ओके बेटा, थैंक यू।